भागीदारी संकल्प मोर्चा के द्वारा 22 मार्च को ग्राम सभा महावतगढ़ पोस्ट अमारी नारायणपुर अजमतगढ़ में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें ओम प्रकाश राजभर पूर्व कैबिनेट मंत्री ने लोगों को संबोधित किए, जिसमें जनता क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल सिंह चौहान ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज की थी। यह कार्यक्रम अबू साले के नेतृत्व में किया गया था। इस मौके पर जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र राजभर, जिला अध्यक्ष महिला मंच गीता गिरी, प्रदेश महासचिव चंद्रजीत राजभर, प्रभारी बबलू राजभर, विधानसभा अध्यक्ष रामभरत राजभर, ब्लॉक प्रभारी अजय राजभर, ब्लॉक अध्यक्ष अजीत राजभर, शशिकांत राजभर आदि मौजूद रहे। देखिए पूरी खबर पवन पुरोहिया न्यूज पर। सतीश चौहान के साथ अजमतगढ़, उत्तर प्रदेश। सरकार बने तो कहाँ तक ये हो पाएगा संभव, क्योंकि ये तो पूरी तरह से समाजवादी का गढ़ लगता है। देखिए एक समय था कि ये समाजवादी का गढ़ था, अब आपको मई के लास्ट में दिखाएंगे कि ये गढ़ भागीदारी संकल्प मोर्चा का गढ़। इस आजमगढ़ की 200 सीट पर एक बड़ा वोट भारतीय समाज पार्टी का है, दूसरा बड़ा वोट अनिल चौहान का, तीसरा बड़ा वोट बाबू सिंह कुशवाहा का है, चौथा वोट प्रेमचंद प्रजापति बाबूराम पाल का है, पांचवा वोट रामसागर बिंद रामकंद कश्यप का है। ये इतना खाली वोट मिला दीजिए, आप बताइए कहाँ है गढ़ किसका। और ओवैसी जी हमारे साथ हैं। अभी आपने देखा कि 12 जनवरी का आप लोगों ने देखा होगा शायद कि वो जुनून जज्बा जो सच्चाई है, 40 साल के नीचे का नौजवान वो अपने हक के लिए निकल पड़ा है, वो ओवैसी के साथ। सर आजादी से लेकर अब तक हर पार्टियां आई दलित उत्थान की बात करती रही, लेकिन दलित आज भी जहां का तहां पड़ा हुआ है। आजादी के बाद जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो व्यवस्था दी है, उस व्यवस्था में प्रगति हुई है। आज हमारे शेड्यूल कास्ट के 125 आईएएस हैं, हर जिले में 125 डीएम और एसपी है, 131 एमपी है, 1100 एमएलए हैं और लाखों लाख एसआई या दरोगा हैं, सिपाही हैं। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की दिन है कि आज वो चारपाई पर बैठ करके लेखपाल अगर है तो वो इनखाब बना रहा है, खसरा बना रहा है, कल तक बैठने नहीं दिया जाता था। सर शिवपाल जी से मुलाकात हुई थी सर आपकी? होती रहती है, हम तो सबसे मिलते हैं। सर आने वाले समय में अखिलेश यादव से भी मुलाकात हो सकती है? वो चाहे तो मुलाकात कहे ना, हम कोई सिंह तुम्हारे पर जाती है। सर आज जो कार्यक्रम हुआ उसको लेकर क्या कहेंगे? भारतीय समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम था। आज भारतीय समाज पार्टी की तमाम जनता को लोगों को जरूरत है, उसी संदर्भ में भारतीय समाज पार्टी के प्रचार और खासतौर से जो इस समय चुनाव चल रहा है तो इसके सिलसिले में जनता को जगाने के लिए सर आगे 2022 का चुनाव भी है तो उस पर क्या कहेंगे? सर ये अभी जो चल रहा है बड़े ही विश्वास के साथ हम लोग मैदान में उतरे और ये भागीदारी संकल्प मोर्चा के तत्वावधान में और ये अभी सेमीफाइनल, इस सेमीफाइनल के बाद हमारी विजय होगी सेमीफाइनल में तो हमें फाइनल में भी सर आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया था तो उसको लेकर क्या कहेंगे? गरीबों के सम्मान में अनिल चौहान ओम प्रकाश राजभर जी आज मैदान में, आज पूरा उत्तर प्रदेश नहीं पूरा देश आज भागीदारी संकल्प मोर्चा के रूप में एकत्र हो गया है। आप कारवां देख लीजिए, चारों तरफ घुमा के आप नजर देख लीजिए,
एक तरफ से चौहान अंगड़ाई ले रहा है, एक तरफ से राजभर अंगड़ाई ले रहा है, तो बगल से हमारा गिरि समाज अंगड़ाई ले रहा है, बगल में प्रजापति अंगड़ाई ले रहा है। उत्तर प्रदेश में पूरी की पूरी सीट जो है भारत भागीदारी संकल्प मोर्चा जीतने जा रहा है, और आजमगढ़ की जितनी भी हमारे प्रत्याशी खड़े हैं सब लोग अपनी जीत कर अपना जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी आजमगढ़ की हम लोग कब्जा कर रहे हैं। इसीलिए कहता हूँ, जनजीत नाम है मेरा, बगावत काम है मेरा, मिटा दो जुल्म की हस्ती, यही पैगाम है मेरा, यही पैगाम है मेरा। जय सूरदेव, जय भागीदारी।